फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अर्चना म्यूजिक एंड ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं जा रही हूँ खाना बनाने। एक्चुअली रोज़ ही जाती हूँ, बट आज जा रही हूँ। आज मैं एक स्पेशल डिश बनाने जा रही हूँ, तो सोचा मैं आप सबको भी दिखा दूँ, शेयर कर दूँ। एक्चुअली यहाँ पे वो जो भी जिस चीज़ से भी वो बनेगा वो यहाँ नहीं मिलता, यानी उत्तराखंड में नहीं मिलता है। दोस्तों, ये है अमड़ा, यानी ये भी एक आम की ही प्रजाति होती है। मैंने नेट पे भी सर्च किया है। एक्चुअली मैं ये भैया लेके आए हैं कोलकाता से। यहाँ तो ये होता नहीं है, तो आप सबको शायद पता नहीं है। ये बहुत खट्टा खट्टा सा फल होता है, ये आम जैसा ही होता है। तो अब इसकी मैं खट्टी मीठी जो बोलते हैं चटनी टाइप की वो बनाऊँगी। चटनी तो नहीं, पका के बनाऊँगी। तो ये है कच्चा नारियल और इसको फोड़ना है। फोड़ने के बाद इसको पीसना है, और पीस के जो उसका दूध निकलेगा, नारियल का दूध निकलेगा, उससे बनेगी इन दोनों को मिला के जो भी बोले उसको, सब्जी बोले जो भी बोले, मीठी चटनी टाइप की बनेगी। बहुत ही टेस्टी लगती है, मतलब मुझे ये अच्छी लगती है, इसलिए भैया कोलकाता से इसको लेके आए हैं, तो स्पेशली मेरे लिए लेके आए हैं। वो बोल रहे थे कि तुम्हें पसंद है, और भी बहुत सारी चीज़ें लेके आए हैं, बट ये इसी सीज़न में होता है तो वो लेके आए हैं। तो मैं अब इसको बनाने जा रही हूँ, बट मुझे नारियल फोड़ना नहीं आता है, तो इसको मम्मी फोड़ेंगी, और मम्मी के पास लेके जा रही हूँ मैं इसको फोड़ने के लिए। मम्मी फोड़ के देगी, उसके बाद करूँगी। मम्मी इसको फोड़ के दो। मम्मी अब ये अस्त्र लेके आ गई है, उसको देखते ही मुझे डर लगता है। ये पानी भी निकला इसमें से। ये देखिए, टैलेंट देखिए मम्मी का, बिल्कुल दो बराबर टुकड़े। यही तो नहीं आता मुझे। दोस्तों देखो, इतना सारा पानी निकाला है मम्मी ने, क्या बात है। और ये देखिए नारियल मम्मी ने तोड़ दिया। मम्मी जो है नारियल निकाल रही है कितने अच्छे तरीके से, मुझे नहीं आता बिल्कुल भी। मैं तो इसको फिर मार मार के, तोड़ तोड़ के करती हूँ बेकार तरीके से। कितने सुंदर सुंदर पीस निकाल रही है, ये देखो। आपने बेचते हुए भी देखा होगा, बहुत से लोग जो है मार्केट में बेचते हैं मोटे मोटे टुकड़े, तो कुछ वैसे ही मम्मी करके देगी इतने अच्छे से, आराम से। मतलब मेहनत वाला काम तो मैंने मम्मी से करवा लिया, अब बाकी काम बाद में मैं करूँगी, जो इजी इजी वाला काम है। यस, तो मम्मी ने ये काट दिया है, देखो कितने अच्छे तरीके से, यम यम बिल्कुल पीस। अब इसके बाद मैं टुकड़े करूँगी। यहाँ देखिए, ये पूरा खाली कर दिया मम्मी ने एकदम ही। तो ये चिड़िया को जो है पानी या चावल देने के काम आएगा बाद में हमारे। और ये आधा रख दिया है, इसका बनाऊंगी मैं बाद में हलवा बनाऊंगी या कुछ हलवा में डालूंगी। तो मम्मी इसमें डाल दो, ये काम भी आप ही करो। ये नारियल पानी जो मम्मी ने बोला है कि तू ही पी ले, तो मैं पी रही हूँ। बहुत टेस्टी होता है वैसे तो, आपको भी पता है, और इसको मैं पी लेती हूँ। नारियल को जो है मैं इसको पीसूंगी इसमें, मिक्सी में डाल के इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े करके, तो उसके बाद इसका नारियल का दूध बन जाएगा। मतलब निंजा टेक्निक है बिल्कुल हमारी, जल्दी जल्दी करने की। अदरवाइज जो नारियल को कोरने वाली छोटी सी मशीन आती है हाथ से, उसमें तो बहुत टाइम लग जाता। तो ये है ना कि जल्दी जल्दी बनाना है, तो जल्दी का कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो बस मैंने इसके अंदर डाला, अब इसको मैं ग्राइंड करूंगी और ये बन जाएगा, बिल्कुल पेस्ट बन जाएगा, मस्त सा दूध निकलेगा। उसके बाद थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूंगी, तो जिससे कि इसको भूनने में प्रॉब्लम ना हो। तो डाला मैंने पानी, इसको किया यहाँ फेट। फ्रेंड्स, ये देखिए हो गई है रेडी। मैं जल्दी से इन जो ये आमड़ा है इनको छील लेती हूँ। दोस्तों, ये जो आमड़ा है उसको मैंने जो है छील लिया है। देखिए ऐसा दिखता है उसके बाद, बिल्कुल कच्चे आम के जैसा लग रहा है। इसमें बारीक बारीक कट भी मार लिया है, जिससे कि इसमें अच्छे से जो नमक है और वो सब कुछ चला जाए। तो और कढ़ाई भी चढ़ा दी थी मैंने जल्दी से, और ये गर्म हो चुका है। तो अब मैं डालूँगी इसमें सरसों का तेल, और हम लोग सरसों के तेल में ही खाना बनाते हैं, और हमें इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है, बस इसीलिए रिफाइंड से नहीं बनाते हैं। तो ये डाल दिया मैंने सरसों का तेल, और इसमें डालूंगी मैं सरसों का तड़का।
वैसे यहाँ बहुत सारे लोग जो है सरसों का तड़का नहीं लगाते हैं, बट इसके लिए क्योंकि वो खट्टा मीठा सा बनेगा ना, तो इसके लिए सरसों ही इसमें डालूंगी। उसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। तेल लगभग तो मेरा गर्म हो ही गया है, अब जल्दी से मैं इसको बनाती हूँ। इसको थोड़ा सा सरसों डालने के बाद थोड़ी देर फ्राई करूँगी, उसके बाद बाकी चीज़ें करूँगी। डाल दी मैं इसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी। दोस्तों क्योंकि आज मुझे आपको बताना है कि ये रेसिपी कैसे बनाते हैं, इसीलिए मैं अपनी शक्ल आपको ज़्यादा नहीं दिखाने वाली हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है, ये ज़्यादा सुंदर दिखेगा, स्मूथ से ज़्यादा। तो मैं आपको ज़्यादा अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी, मैं आपको जो इसका कुकिंग प्रोसेस है उसी को दिखाऊंगी। पीछे आई नो मेरा कुकिंग चैनल नहीं है, मेरा ब्लॉग चैनल है, बट मुझे लगा कि ये मैं आपको दिखाऊँ। अब इसको मैं ढक रही हूँ थोड़ी देर के लिए, और जब तक ये फ्राई होता है तब तक जो है नारियल का जो मैंने पिसा हुआ बनाया है तो उसका दूध निकालूंगी। ये मैंने एक कॉटन का कपड़ा लिया है जिसमें कि इसको निचोड़ के इसका मैं नारियल का जो सारा दूध है मैं उसको निकाल लूँ अच्छे से। पहले मैंने कपड़े को धो लिया है, साफ सा कपड़ा लिया मैंने, उसको मैंने इसको सारा डाल दिया है इसमें जितना भी मैंने पेस्ट बनाया था। और अब ऐसे में ये देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसे में कितने अच्छे से इसका सारा दूध जो है नारियल का वो हमारे कटोरे में आ जाएगा। यस, ये बहुत ही अच्छा तरीका है इसका दूध निकालने का। जितनी ताकत लगा रही है मैं लगा रही हूँ जोर जोर से, और इसको निचोड़ दिया। ये देखिए दोस्तों ये कैसा हो गया बिल्कुल, और इस पर कुछ भी नहीं है, जरा सा भी मॉइस्चर नहीं है। ये देखिए पूरा एक कटोरा, ये फ्राई हो चुका है। जब तक मैं नारियल का जो दूध निकाल रही थी छान पे, देखिए ये अच्छे से फ्राई हो गया है। अब मैं इसके अंदर वो नारियल का दूध ये सारा इसमें डाल दूंगी। ये देखिए अब मैं इसके अंदर इसको टेस्ट करूंगी पहले, सबसे पहले ये जो इसका नमक ठीक है या नहीं है। अगर नमक ठीक रहा तो ठीक, उसके बाद थोड़ा सा इसमें चीनी भी ऐड करेंगे क्योंकि ये खट्टा होता है ना काफ़ी, एकदम खट्टा फल होता है, तो फिर इसमें चीनी भी डालूंगी। इसमें कलर भी कुछ ऐसे ही हल्का हल्का आता है, तो थोड़ा सा मैं हल्दी और ऐड कर रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे ये दूध में पका रही है, वाइट वाइट कलर का, को टेस्ट करके देखती हूँ उसका नमक ठीक है या नहीं। नमक तो ओके ओके है, थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, और मुझे चीनी डालनी पड़ेगी इसमें क्योंकि ये खट्टा है। मुझे तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मम्मी ना ज़्यादा खट्टा नहीं खाती तो उनको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए मैं इसमें 2-3 चम्मच चीनी ऐड कर दूँगी। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि मैं ये रेसिपी बता रही हूँ आपको कि मैं ये बना रही हूँ, ये फल तो यहाँ पे मिलता ही नहीं है, ये तो फिर क्या फ़ायदा हमें। लेकिन इससे और भी चीज़ें, इस तरह से नारियल का दूध निकाल के और भी चीज़ें बनाई जाती है। मैं बाद में भी कभी बनाऊँगी ना तो आपको दिखाऊँगी, तो फिर आप लोग भी बना सकते हो, बट आप ये अभी तो ये देख ही सकते हो कि हाँ इस तरह की कोई चीज़ होती है। और ये चीज़ बाद में पता नहीं कब मिले, क्योंकि कोई कोलकाता जाएगा उसके बाद मिलेगा, तो इससे बेटर है कि मैं आपको अभी दिखा दूँ। ऐसे ही उबाल आने लगेगा तो मैं इसको ढक दूंगी, इसको ढक के पकाना है क्योंकि ये जो अमड़ा है ये पकेगा, उसके बाद ही ये सॉफ्ट हो जाएंगे बिल्कुल, उसके बाद ही सारा जो इसकी ग्रेवी में भी है जो उसका खट्टापन वो सब कुछ आ जाएगा, तो ये बड़ा टेस्टी लगेगा। तो इसको ढक देती हूँ, जब ये पक जाएगा कुछ टाइम बाद
उसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको। एंड सर ये जो है मेरी रेसिपी आमड़ा का जो खटाई है वो रेडी हो गई है बिल्कुल ही, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है इसमें से। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ, 10 से 15 मिनट में ये रेडी हो जाता है। उधर मैंने अपने जो है चावल चढ़ा दिए थे तो वो भी रेडी हो गए हैं, तो थोड़ी देर में हम इसका लुत्फ़ उठाने जा रहे हैं दोनों के दोनों, मम्मी और मैं। फ्रेंड्स मैं और मम्मी जाते हैं अब खाना खाते हैं, और आप सबके यहाँ भी खाना तो बन ही गया होगा, तो रेडी हो गया होगा, आप सब भी खाना खाइए। और मिलती हूँ मैं आप सबको किसी और नए ब्लॉग में, और शायद ऐसी ही कोई स्पेशल सी रेसिपी भी मैं आपके लिए लेके आऊँ जो आप लोग भी अपने घर पे ट्राई कर सको। किसी कुकिंग चैनल में जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, आपको मेरे ही वीडियो में वो सारी चीज़ें मिल जाए, है ना फ्रेंड्स। बाय।